Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Go Agro. So before we start, let me quickly introduce myself. My name is Taruna Sharma, an ICAR student from VNM KV Maharashtra. आज के लेक्चर का सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी यानी कि कृषि विज्ञान. सो आज के लेक्चर के टॉपिक्स हैं टिल्ट डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ टिल्ट, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टीलेज, मेन फील्ड प्रिपरेशन एंड द लास्ट टॉपिक इज वुडलिंग. सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने एग्रोनॉमी के दो लेक्चर लिए थे एग्रोनॉमी स्कोप, इम्पॉर्टेंस एंड टीलेज पर. इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप फॉर मोर सच अपडेट्स. इसका लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज टिल्ट यानी कि जोती हुई जमीन. जब हम खेत की जुताई करते हैं उसके बाद जो सॉइल की कंडीशन होती है उसे हम टिल्ट बोलते हैं. आफ्टर टीलेज मीन्स जुताई करने के बाद सॉइल पाउडरी, बारीक और लूज हो जाती है. उसमें अच्छी मात्रा में एयर और मॉइस्चर प्रेजेंट होता है. ऐसी सॉइल क्रॉप लगाने के लिए अच्छी होती है और इसमें सीड जर्मिनेशन भी अच्छा होता है. जैसे कि जब फील्ड में जुताई होने के बाद जब हम उसमें सीड डालते हैं तब सीड स्प्राउट होकर रेडिकल और शूट बनाते हैं. तब रेडिकल इजीली सॉइल को पेनिट्रेट करता है और अच्छे से ग्रो करता है. इसलिए टिल्ट को हम आइडियल सीड बेड भी बोलते हैं. द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ टिल्ट. टिल्ट मेनली टू टाइप्स की होती है, फाइन टिल्ट एंड कोर्स टिल्ट. तो अब हम फाइन टिल्ट को समझते हैं. फाइन टिल्ट का मतलब है पाउडर्ड सॉइल. इसमें सॉइल के पार्टिकल्स एकदम बारीक होते हैं. फाइन सीड बेड में लगने वाले क्रॉप्स की एग्जांपल हैं रगी, अनियन, बरसीम एंड टोबेको. द सेकेंड टाइप ऑफ टिल्ट इज कोर्स टिल्ट. कोर्स टिल्ट यानी इस सॉइल में पार्टिकल्स का साइज इररेगुलर होता है. इसमें सॉइल के कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स भी मिलते हैं. कोर्स सीड बेड में लगने वाली क्रॉप्स की एग्जांपल हैं सोरगम, कॉटन, चिकन पी एंड लवलव. आफ्टर दिस द नेक्स्ट टॉपिक इज मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टीलेज. सीड बेड प्रिपेयर करने के लिए हमें कुछ प्राइमरी और सेकेंडरी टीलेज ऑपरेशन को यूज़ करते हैं. ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था. और अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले मेरा टीलेज वाला लेक्चर को चेक कर लीजिए. इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो अभी हम इस पॉइंट को कंप्लीट करते हैं. सॉइल में टीलेज करने के लिए एनिमल्स या फिर ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं. और ऐसा करने के लिए सॉइल में मिलने वाले कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाते हैं जिससे रेन वाटर सॉइल में इजीली फिल्टर हो जाता है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं. द सेकेंड पॉइंट इज फार्मर्स रिपीटेड प्लॉइंग करके सीड बेड प्रिपेयर करते हैं ताकि सीड लगा सकें. द थर्ड पॉइंट इज रिपीटेड टीलेज ऑपरेशन करने से सॉइल के पार्टिकल्स बारीक हो जाते हैं और सॉइल लूज हो जाती है, जिससे सॉइल इरोजन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं. यानी कि बारिश सॉइल की अपर मोस्ट लेयर को ले जाती है और उससे सॉइल की फर्टिलिटी लूज हो जाती है. और इस लॉस की वजह से हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाती है. इन्हीं सब रीजन की वजह से कुछ मॉडर्न कंसेप्ट को डेवलप किया गया, जैसे कि मिनिमम टीलेज, जीरो टीलेज, स्टबल मल्च टीलेज एंड कंजर्वेशन टीलेज. तो अब हम इन मॉडर्न कंसेप्ट्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट वन इज मिनिमम टीलेज. जैसा कि इसके नेम से पता लग रहा है, इसमें टीलेज कम किया जाता है ताकि ज़्यादा एनर्जी वेस्ट ना हो और सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट कर सके. इसका मेन एम होता है गुड सीड बेड प्रिपेयर करना ताकि सीड जर्मिनेशन अच्छे से हो सके. अब हम मिनिमम टीलेज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं. मिनिमम टीलेज का फर्स्ट एडवांटेज है कि मिनिमम टीलेज सॉइल कंडीशन को इम्प्रूव करता है, जैसे कि जुताई करने से वेस्ट प्लांट मटेरियल सॉइल में अच्छे से डिकम्पोज हो जाते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी इम्प्रूव हो जाती है.
द सेकेंड एडवांटेज इज टीलेज करने से सॉइल में प्रेजेंट डेड रूट्स रिकम्पोज हो जाती है, जिसकी वजह से सॉइल लूज और उसमें वाटर इजीली पेनिट्रेट कर सकता है। द थर्ड एडवांटेज इज हैवी व्हीकल जब सॉइल पर मूवमेंट करता है तब प्रेशर की वजह से सॉइल कॉम्पैक्ट हो जाती है, इसीलिए मिनिमम टीलेज प्रोसेस में व्हीकल का मूवमेंट बहुत कम किया जाता है, जिससे सॉइल ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं होती है और सॉइल का स्ट्रक्चर थोड़ा लूज रहता है। फोर्थ एडवांटेजेस, मिनिमम टीलेज में सॉइल इरोजन एकदम कम होता है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल टीलेज। सो दिस ऑल आर द एडवांटेजेस। आफ्टर दिस द नेक्स्ट टॉपिक इज डिसएडवांटेजेस। मिनिमम टीलेज का फर्स्ट डिसएडवांटेज है कि मिनिमम टीलेज की वजह से सॉइल अच्छे से लूज नहीं होती है, इसीलिए सीड जर्मिनेशन भी कम होता है। द सेकेंड डिसएडवांटेज इज मिनिमम टीलेज में डिकम्पोजिशन रेट कम होती है, जिसकी वजह से सॉइल में एक्स्ट्रा नाइट्रोजन को ऐड करना पड़ता है। ऐसा टेम्परेट रीजन में होता है, जबकि ट्रॉपिकल रीजन में मिनिमम टीलेज ऑर्गेनिक मैटर को कंजर्व करने के लिए यूज करते हैं। द थर्ड डिसएडवांटेज इज मिनिमम टीलेज करने से लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट नोड्यूलेशन ग्रोथ कम हो जाती है, क्योंकि सॉइल कॉम्पैक्ट हो जाती है, जिसके वजह से प्लांट सही से ग्रो नहीं कर पाता है, जैसे कि पीस एंड ब्रॉड बीन्स में। द फोर्थ डिसएडवांटेज इज मिनिमम टीलेज में सॉइल हार्ड और कॉम्पैक्ट हो जाती है, इसीलिए बेसिक इक्विपमेंट और टूल्स से सीड लगाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, और सीड लगाने के लिए हमें कुछ हैवी इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। सो फ्रेंड्स, दिस ऑल आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ मिनिमम टीलेज। द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टीलेज इज जीरो टीलेज। जीरो टीलेज, जिसे हम नो टीलेज भी बोल सकते हैं, इस प्रोसेस में हम सॉइल में बिना टीलेज प्रोसेस किए, यानी इसमें सीड बेड प्रिपरेशन के बिना ही डायरेक्ट हार्वेस्टिंग के बाद नई क्रॉप को लगाया जाता है, और ये तभी पॉसिबल है जब फील्ड पूरा साफ हो, मीन्स इसमें वीड्स नहीं लगी होनी चाहिए और हर्बिसाइड ने पूरे वीड्स को कंट्रोल में रखा है। जीरो टीलेज प्रोसेस उसी सॉइल में पॉसिबल है जिसका कोर्स टेक्सचर हो, मींस पार्टिकल्स मोटे हों, और जिसमें वाटर इजीली सॉइल को फिल्टर कर सकता है, मींस गुड इंटरनली ड्रेनेज फैसिलिटी होनी चाहिए, या फिर ऐसी सॉइल जिसमें ऑर्गेनिक मैटर अच्छे से प्रेजेंट हो जो सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर सके। एंड जीरो टीलेज इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मिनिमम टीलेज। अगर हम मिनिमम टीलेज को एक्सट्रीम लेवल पर फॉलो करें तब हम उस कंडीशन को जीरो टीलेज कह सकते हैं। आफ्टर दिस द नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेजेस ऑफ जीरो टीलेज, यानी कि जीरो टीलेज क्यों अच्छा है। द फर्स्ट वन इज जीरो टिल्ट सॉइल, मींस ऐसी सॉइल जिस पर टीलेज नहीं हुआ है वो सॉइल होमोजीनियस होती है, यानी कि उस सॉइल के पार्टिकल्स डिस्टर्ब नहीं हुए हैं, इसीलिए उसमें ज़्यादा अर्थवर्म ग्रो कर सकते हैं और वो सॉइल की फर्टिलिटी को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं। द सेकेंड पॉइंट इज जीरो टिल्ट सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर का मिनरलाइजेशन इसमें कम होता है। द थर्ड पॉइंट इज ऐसी सॉइल जिसमें टीलेज नहीं हुआ है उसमें सॉइल कॉम्पैक्ट होती है, जिसकी वजह से सॉइल में इरोजन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सो दिस ऑल आर द एडवांटेजेस। आफ्टर दिस द नेक्स्ट टॉपिक इज डिसएडवांटेजेस ऑफ जीरो टीलेज। जीरो टीलेज में मिनरलाइजेशन कम होता है, इसीलिए इसमें ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन को ऐड करना पड़ता है सॉइल में। जीरो टीलेज में पेरेनियल वीड्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें सॉइल को लूज नहीं किया जाता है और सॉइल में वीड्स लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और सॉइल वीड से भर जाती है, जिसमें मेन क्रॉप्स की ग्रोथ भी कम हो जाती है। द थर्ड डिसएडवांटेज इज ऐसी सॉइल जिसमें टीलेज नहीं हुआ है उसमें वॉलेंटियर प्लांट्स, मींस ऐसे प्लांट्स जो खुद से लग जाते हैं, उनके ग्रोथ होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट जीरो टीलेज। आफ्टर दिस द नेक्स्ट टॉपिक इज स्टबल मल्च टीलेज।
स्टबल मल्च फार्मिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉइल को हमेशा प्रिवेंट किया जाता है, जैसे कि जब क्रॉप ग्रो कर रही होती है तब भी और क्रॉप हार्वेस्ट करने के बाद भी, जब सॉइल में प्लांट्स रेसिड्यू बच जाते हैं। द सेकेंड पॉइंट इज स्टबल मल्च टीलेज में स्विप्स और ब्लेड्स का यूज करते हैं जो फर्स्ट ऑपरेशन में सॉइल को 12 टू 15 सेंटीमीटर डेप्थ तक कट कर देता है। उसके बाद जितनी बार टीलेज किया जाता है हर टीलेज में ब्लेड्स का डेप्थ कम किया जाता है, जिससे सॉइल पूरी तरह से लूज हो जाती है। द थर्ड पॉइंट इज जब हार्वेस्टिंग के बाद फील्ड में प्लांट्स रेसिड्यू बच जाते हैं तब फर्स्ट ऑपरेशन के टाइम पर डिस्क टाइप के इम्प्लीमेंट को यूज़ करते हैं जो सॉइल में प्रेजेंट रेसिड्यूज को सॉइल में दबा देते हैं ताकि रेसिड्यूज डिकम्पोज हो सकें। अब हम स्टबल मल्च फार्मिंग के डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे। फर्स्ट डिसएडवांटेज है कि जब प्लांट्स रेसिड्यू सरफेस पर बच जाते हैं तब वो मेन क्रॉप को ग्रो करने के लिए डिस्टर्ब करते हैं, जिससे मेन क्रॉप ग्रो अच्छे से नहीं कर पाती है। द सेकेंड डिसएडवांटेज इज स्टबल मल्च फार्मिंग में कुछ अच्छे इम्प्लीमेंट्स को यूज़ करना पड़ता है, ऑर्डिनरी इम्प्लीमेंट्स का इसमें यूज़ नहीं होता है। द लास्ट मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टीलेज इज कंजर्वेशन टीलेज। कंजर्वेशन टीलेज का मेन ऑब्जेक्टिव है सॉइल और सॉइल मॉइस्चर को कंजर्व करना। कंजर्वेशन टीलेज में ऑर्गेनिक प्लांट्स रेसिड्यू को सॉइल में इनकॉर्पोरेट करने की बजाय उसे सॉइल की सरफेस पर ही एज अ प्रोटेक्टिव लेयर के लिए रखा जाता है ताकि सॉइल इरोजन ना हो और इवेपोरेशन की वजह से सॉइल में मॉइस्चर भी लॉस ना हो। द थर्ड पॉइंट इज जब प्लांट रेसिड्यूज सॉइल की सरफेस पर रहते हैं तब वो सीड बेड प्रिपरेशन में इंटरफेयर करते हैं, जिससे सीड जर्मिनेशन भी अफेक्ट होता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज मेन फील्ड प्रिपरेशन। प्रिपरेटरी कल्टीवेशन को मेन फील्ड प्रिपरेशन भी बोलते हैं। मेनली फील्ड प्रिपरेशन के तीन प्रोसेस होते हैं, प्राइमरी टीलेज, सेकेंडरी टीलेज एंड लेआउट फॉर सोइंग। इम्पॉर्टेंट प्राइमरी टीलेज ऑपरेशन में यूज आने वाले इम्प्लीमेंट्स के एग्जाम्पल हैं कंट्री प्लाउ, माउलबोर्ड प्लाउ, डिस्क प्लाउ एंड चीजल प्लाउ। और सेकेंडरी टीलेज ऑपरेशन के लिए यूज आते हैं कल्टीवेटर्स एंड हैरोज। आफ्टर दिस द लास्ट टॉपिक इज पुडलिंग। पुडलिंग वेट कल्टीवेशन का एक प्रोसेस है जिसमें सॉइल और वाटर अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। पुडलिंग करने से सॉइल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और बल्क डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। जब सॉइल वेट हो जाती है तब उसमें कल्टीवेशन करने से क्ले पार्टिकल्स वाटर के साथ मिक्स होकर जेल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। पुडलिंग प्रोसेस राइस कल्टीवेशन के लिए यूज किया जाता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेजेस ऑफ पुडलिंग। द फर्स्ट एडवांटेज इज राइस प्लांटेशन के लिए पुडलिंग हेल्प करता है ताकि मड में रूट्स अच्छे से ग्रो कर सके। सिर्फ थंब और फिंगर से ही हम राइस प्लांट्स को लगा सकते हैं, इसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है। द सेकेंड एडवांटेज इज पुडलिंग करने के बाद टीलेज प्रोसेस ईजी हो जाता है और ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं होती है। आफ्टर दिस द नेक्स्ट टॉपिक इज डिसएडवांटेजेस ऑफ पुडलिंग। द फर्स्ट इज पुडलिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और सॉइल स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और थर्ड डिसएडवांटेज है कि रूट डेवलपमेंट भी अच्छे से नहीं होता है। सो ये था एग्रोनॉमी का थर्ड लेक्चर। इसके बाद फोर्थ लेक्चर का टॉपिक है सीड, सीड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सीड डोरमेंसी। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।